डियर फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इजी क्वालिटी लर्निंग में एक नए वीडियो डिस्कशन के साथ में जिसके टॉपिक का नाम है गुड माइक्रोबायोलॉजी प्रैक्टिसेस तो आइए जानते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो डिस्कशन में क्या क्या है तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे पर्सनल की लेबोरेटरी लेआउट लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स मीडिया हैंडलिंग एंड प्रिपरेशन मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर्स सैंपल हैंडलिंग देन कंसिडरेशन फॉर माइक्रोबाइलिकल रिस्क असेसमेंट और मैथड वेलेशन की तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि गाइडेंस डॉक्यूमेंट इस पर्टिकुलर के लिए क्या है तो गुड माइक्रोबायोलॉजी प्रैक्टिस जैसा कि नाम से ही पता है कि माइक्रोबायोलॉजी में हम लोगों ने क्या किस तरह की प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए क्या स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे तो इसमें जो प्रोमिनेंट गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स है वो है यूएसपी चैप्टर इलेवन से माइक्रोबायोलॉजिकल बेस्ट प्रैक्टिस फिर शेड्यूल एल वन और शेड्यूल एम में भी माइक्रोबायोलॉजी प्रैक्टिस के बारे में दिया हुआ है कि हमने क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए तीसरा डॉक्यूमेंट है डब्ल्यू एच ओ टी आर एस नाइन सिक्सटी वन डब्ल्यू एच ओ गुड प्रैक्टिस फॉर फार्मास्यूटिकल लैब्स तो ये डब्ल्यू एच ओ की गाइडेंस डॉक्यूमेंट है जिसमें कि लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए पर्सनल की क्या रिक्वायरमेंट है फैसिलिटी की क्या रिक्वायरमेंट है और भी सारी चीजें इसमें मैंशन की हुई है बाकी इसके अलावा और भी गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने केवल कुछ ही प्रोमिनेंट गाइडेंस को यहाँ पे पिक किया है आपके लिए तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पर्सनल की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है माइक्रोबाजी का लैब शेल बी हेडेड बाई अ पर्सनल हैविंग ए सुटेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस तो जो भी माइक्रो हेड है उनको सुटेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए और उनका क्वालिफिकेशन भी जो है वो या तो ग्रेजुएट होने चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए माइक्रो में प्रीफरेबली अगर नहीं माइक्रोबालॉजी में तो केवल कम से कम बायोसाइंसेस में तो होने ही चाहिए जो बाकी के पर्सन भी उनको असिस्ट एस, कर रहे हैं उनका क्वालिफिकेशन भी या तो माइक्रोबायलॉजी में होना चाहिए या और किसी बायो की स्ट्रीम्स में होना चाहिए बाकी की बायो साइंसिस की स्ट्रीम्स में जैसे बायोटेक्नोलॉजी में हो सकता है जो रिलेटेड स्ट्रीम्स है तो उनके लोग भी इसमें काम कर सकते हैं द पर्सनल शुड हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस इन माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग तो जो भी लोग माइक्रोबायोलॉजी लैब में काम करते हैं उनको अपने माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए एक्सपीरियंस लोग ही जो है इस काम को एग्जीक्यूट करें एंड द पर्सनल शेल बी ट्रेंड इन ऑपरेशनल एंड प्रोसीजरल एस या कोई एक्सपीरियंस वाले पर्सनल भी है जो किसी लैब में नया ज्वाइन करते हैं उनको जो भी ऑपरेशनल और प्रोसीजरल एस है उसमें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए देन पर्सनल बी क्वालिफाइड बिफोर परफॉर्मिंग द रूटीन एनालिसिस तो ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो हर जगह पे फॉलो होती है कि जब भी हमारी कोई नया पर्सन ज्वाइन करता है तो उसका पहले इंडक्शन ट्रेनिंग होता है इंडक्शन ट्रेनिंग होने के बाद में आपकी बाकी की दूसरी ट्रेनिंग्स होती है एसओपी ट्रेनिंग्स होती है प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होती है और ये सारा कुछ होने के बाद में देन जैसे हम एनालिस्ट क्वालिफिकेशन करते हैं या माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्वालिफिकेशन करते हैं जिसमें अननोन सैंपल्स दे के और उसके रिज़ल्ट हम चेक करते हैं कि वो अप्रूव्ड एनालिस्ट के जो रिज़ल्ट है और जो नया एनालिस्ट है जिसको हम क्वालिफाई कर रहे हैं उनके रिज़ल्ट कंपेरेबल है या नहीं है देन सभी लोगों की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो बनी हुई होनी चाहिए ब्लैक एंड वाइट माइक्रोबायोलॉजी लैब में जितने भी पर्सनस हैं उनको कंटेनमेंट की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कंटेनमेंट का मीनिंग ये होता है कि जो भी हम माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर्स या जो भी माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हम हैंडल कर रहे हैं तो उसका स्प्रेड हम किस तरह से रोक सकते हैं तो उसको हम कंटेनमेंट बोलते हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से या हम प्रोसीजरल चीज़ों से रोकते हैं तो उसको उन टेक्निक्स को हम कंटेनमेंट टेक्निक्स बोलते हैं सीज टू बी मॉनिटर्ड पीरियोडिकली जो उनकी कॉम्पिटेंसीज है जिसमें क्वालिफाई किया है तो उसको इवेलुएट करने के लिए कुछ न कुछ पैरामीटर हमने सेट करने चाहिए सेकेंड हम बात करेंगे लेबोरेटरी लेआउट की तो एंट्री इन माइक्रोबायलॉजी टेस्टिंग एरिया रेस्ट्रिक्टेड सभी को पता है कि माइक्रोबायलॉजी लैब जो है वो आइसोलेटेड एरियाज होते हैं और इसमें हर किसी को एंट्री नहीं दी जा सकती है तो जो भी पर्सन ट्रेंड है एनालिस्ट है उस एरिया के या जो टेक्नी टेक्नीशियंस है, है जो उस एरिया में काम करते हैं केवल उन्हीं को उस एरिया में एंट्री अलाउ करनी चाहिए और बाकी लोगों को एरिया में अलाउ नहीं किया जाना चाहिए एंड डेडिकेटेड ए फॉर माइक्रोबायोलॉजी शेल बी प्रोवाइडेड सो जो माइक्रोबायोलॉजी लैब के ए है वो डेडिकेटेड होनी चाहिए वो ए जो है केमिकल लैब या इंस्ट्रोमेंटेशन लैब के साथ में मौज नहीं होने चाहिए सेपरेट ई फॉर स्टेलिटी टेस्टिंग एम टेस्टिंग एंड कल्चर टेस्टिंग एरिया सो अगर आ, मेरी एक ही माइक्रोबायोलॉजी लैब में जो है अलग अलग अ, एरिया बने हुए हैं जिसमें एक में स्टेलिटी टेस्टिंग होती है एक में एम टेस्टिंग होती है और एक में कल्चर हैंडलिंग होती है तो इन तीनों एरिया के लिए सेपरेट ई दिए जाने चाहिए देन स्टेलिटी टेस्टिंग जो है हमने क्लास ए में परफॉर्म करनी होती है जैसा कि डब्ल्यू एच ओ और फार्माकोपियल गाइडेंस भी है कि जो भी हम स्टेलिटी टेस्टिंग करेंगे वो क्लास ए में करते हैं जो अंडर एल एफ होता है और इसका जो बैकग्राउंड होता है वो क्लास बी होना चाहिए देन एक और रिक्वायरमेंट स्टेबिलिटी टेस्टिंग एरिया के लिए दी हुई है कि इसके एडजॉइनिंग तीन लॉक्स होने चाहिए और सेपरेट एग्जिट लॉक दिया होना चाहिए हमने स्टबलिटी टेस्ट से एग्जिट के लिए ये लेबोरेटरी की रिक्वायरमेंट है देन फाइनल चेंज रूम ऑफ द एरिया शेल बी ऑफ क्लास बी सो ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है हम मैन्युफैक्चरिंग में भी यही फॉलो करते हैं कि जो अंदर का एरिया होता है और जो फाइनल चेंज रूम का जो क्लासिफिकेशन होता है वो तो सेम होना चाहिए तो जैसा हमने देखा कि स्टडी टेस्टिंग का क्लासिफिकेशन क्लास बी है तो जो फाइनल चेंज रूम का क्लासिफिकेशन है वो भी क्लास बी ही होना चाहिए देन एम एल टी शैल बी कैरिड आउट अंडर एल एफ विद बैकग्राउंड ऑफ क्लास डी फैमल्टी टेस्टिंग एरिया की रिक्वायरमेंट क्लास डी की है अंडर एल हम इस एक्टिविटी को कैरी कर सकते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर्स जो है इनकी हैंडलिंग जो है वो बायोसेफ्टी कैबिनेट में होनी चाहिए ये डब्ल्यू एच ओ की भी रिक्वायरमेंट है और बाकी गाइडेंस में भी लिखा हुआ है कि बायोसेफ्टी कैबिनेट में ही हमने कल्चर हैंडलिंग करनी चाहिए देन कल्चर हैंडलिंग रूम शेल बी मेटेन एट द नेगेटिव प्रेशर एज टू एयर लॉक्स सो जो हमारा कल्चर हैंडलिंग एरिया होता है एक तो इसका एच यू सेपरेट होता है और दूसरा उसका एयर लॉक में जो प्रेशर है वो ज़्यादा होना चाहिए और कल्चर हैंडलिंग एरिया में प्रेशर कम होना चाहिए ताकि यानी कल्चर हैंडलिंग एरिया की जो एयर है वो बाहर ना जा सके और वो एज ए बैरियर काम करे देन रूटीन इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग और द माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी शल बी डन सो माइक्रोबायोलॉजिकल लैब की जो रूटीन इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग है वो हमेशा हमें करनी चाहिए और जिस क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है फार्मोकॉपियों में भी दी हुई होती है और गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स में भी दी हुई होती है कि अगर क्लास ए है तो हमें डेली मॉनिटरिंग करनी है क्लास बी है तो डेली मॉनिटरिंग करनी है क्लास सी है तो उसको किसी और फ्रिक्वेंसी से पीरियडिक मॉनिटरिंग कर सकते हैं क्लास डी में पीरियडिक मॉनिटरिंग हो सकती है तो उस तरह से हमने इसका इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग शेड्यूल बना के और हमने इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए देने की एरिया क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लैब में क्या क्या होना चाहिए इसमें लिखा हुआ है कि स्टेबिलिटी टेस्टिंग में जो हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा उसी को टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है कि स्टेबिलिटी टेस्टिंग पॉइंट जो है वो क्लास ए होना चाहिए अंडर एल एव बैकग्राउंड ऑफ स्टेबिलिटी टेस्टिंग जो है वो क्लास बी होना चाहिए जो फाइनल ईयरलॉक है वो क्लास बी होना चाहिए ईयरलॉक फर्स्ट जो है वो क्लास डी होना चाहिए इयरलॉक सेकेंड जो है वो भी क्लास डी होना चाहिए या एयरलॉक सेकंड जो है वो आपका क्लास सी भी हो सकता है एंड देन एयरलॉक थर्ड जो है वो क्लास बी होना चाहिए एयरलॉक सेकेंड जो है वो आपका क्लास सी होना चाहिए और एयरलॉक लॉक थर्ड जो है वो क्लास बी होना चाहिए जो फाइनल एयरलॉक हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एयरलॉक थर्ड ही हुआ देन एम एल टी लैब में एम एल टी टेस्टिंग पॉइंट जो है वो क्लास ए अंडर एल एफ हो गया बैकग्राउंड एरिया जो है वो क्लास डी होना चाहिए एयरलॉक सेकेंड जो है वो क्लास डी होना चाहिए एयर लॉक फर्स्ट जो है वो भी क्लास डी होना चाहिए देन गाउनिंग की रिक्वायरमेंट की हम बात करते हैं कि गाउनिंग किस किस तरह से होनी चाहिए तो जनरली ये प्रेफर किया जाता है कि माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर के लिए आपको गाउन जो है वो सेपरेट होनी चाहिए तो जैसे जब भी हम माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर एंटर करते हैं तो चेंज रूम के थ्रू जाते हैं तो उस टाइम पे जो जनरल एरिया के जो ड्रेसेस होती है या लैब होती है या जो अपनी स्ट्रीट गारमेंट्स होती है वो निकाल के और हमने माइक्रोबायोलॉजी लैब का अपरन पहनना चाहिए और फुटवेयर चेंज करने चाहिए तो ये माइक्रोबायोलॉजी की जनरल एंट्री के लिए ये रिक्वायरमेंट है देन एम एरिया या कल्चर एरिया के लिए जो है वो हमने फुटवेयर चेंज करने चाहिए वन पीस या टू पीस गाउन जो माइक्रोबायोलॉजी का होता है वो हमने पहनना चाहिए हेडगेयर्स लगाने चाहिए और इस्टेराइल हैंड ग्लव्स होने चाहिए तो ये एम एरिया या कल्चर एरिया के लिए ये गाउनिंग हमने फॉलो करनी चाहिए देन स्टेलिटी टेस्टिंग एरिया में जो गाउन हमने फॉलो करनी चाहिए वो वन पीस या टू पीस गाउन होना चाहिए उसमें हेड गियर होना चाहिए बूटीज होना चाहिए गॉगल होना चाहिए और डबल हैंड ग्लव्स होने चाहिए तो ये सब पहन के जो जिस तरह से पर्सन अपीयर करेगा वो एक पिक्चर आपके समझने के लिए इसमें लगी हुई है आप इसको देख सकते हैं कि स्टलिडिटी टेस्टिंग एरिया में पर्सन का अपीयरेंस किस तरह से रहेगा देन गाउनिंग से ही रिलेटेड और चीजें क्या है जो हमारा हेड गेयर है वो गाउन के इनसाइड इन होना चाहिए ओपन नहीं होना चाहिए ताकि यानी एयर आती जाती नहीं रहे या बॉडी का को कोई पार्ट एक्सपोज नहीं रहे गाउन शेल भी टकड इनसाइड द हैंड हैंडगलवस जो गाउन के कप्स है ये हैंड ग्लव्स के अंदर टक होने चाहिए कोई भी बॉडी का पार्ट एक्सपोज नहीं होना चाहिए स्टेलिटी टेस्टिंग एरिया के अंदर और गाउन यूज इन द स्टेलिटी टेस्टिंग एरिया शेल भी स्टर्लाइज तो जब भी हमें स्टेलिटी टेस्टिंग एरिया के लिए गाउन्स यूज करने हैं तो वो स्टराइल हमने किए होने चाहिए किसी भी मेथड से या तो प्रेफरेबली लोग इसको ऑटोक्लेव से स्टरलाइज करते हैं तो ऑटोक्लेव से स्टरलाइज करके एंड देन हमने ये अकाउंट्स यूज करने हैं देन हम इक्विपमेंट्स की बात करेंगे तो इक्विपमेंट्स में इसमें जो पिक्चर्स दिखाए हुए हैं ये हॉर्जेंटल एयर फ्लो का है और इनक्यूबेटर्स का है देन ये आपके डबल डोर ऑटोक्लेव है उसके पिक्चर है और सेकेंड पिक्चर जो है वो माइक्रोस्कोप का है तो इक्विपमेंट में ये जनरली मेन इक्विपमेंट्स है जो माइक्रोबायोलॉजी में यूज होते हैं हमारे सारे इक्विपमेंट जो है वो क्वालिफाई हुए होने चाहिए ऑल लेबोरेटरी इक्विपमेंट शेल बी क्वालिफाइड रिक्वालिफिकेशन फ्रिक्वेंसी ऑफ द इक्विपमेंट शेल बी डिफाइंड और हमने रिक्वालिफिकेशन की फ्रिक्वेंसी भी इनकी डिफाइन करनी चाहिए कि मैं इस पर्टिकुलर जैसे ऑटोक्लेव का रिक्वालिफिकेशन कब करूँगा अगर मेरे पास ड्राई हीट स्टर्जर है तो उसका रिक्वालिफिकेशन कब करूँगा एल का रिक्वालिफिकेशन कब करूंगा मेजर इक्विपमेंट्स लाइक ऑटोक्लेवस इनक्यूबेटर्स कूलिंग कैबिनेट शल हैव ऑनलाइन डाटा प्रिंटिंग फैसिलिटी तो आजकल ये रिक्वायरमेंट हो गई है कि जैसे ऑटोक्लेव है तो उसमें टेम्परेचर का प्रिंटआउट आना चाहिए देन इंक्यूबेटर्स है तो उसमें टेम्परेचर की लॉगिंग होनी चाहिए ऑनलाइन डेटा रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कूलिंग कैबिनेट्स में ऑनलाइन डेटा रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और उसका पीरियडिक प्रिंट आउट लेके और रिव्यू करके उसको साइन ऑफ करना होता है देन हमें वुडन स्ट्रक्चर जो है माइक्रोलैब में बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना है किसी भी इक्विपमेंट के साथ में या किसी इक्विपमेंट के प्लेटफॉर्म के रूप में भी वुडन स्ट्रक्चर हमने यूज़ नहीं करना है और माइक्रोबायोलॉजी लैब की एक और रिक्वायरमेंट होती है कि मीडिया uh, डिस्कार्डिंग के लिए हमने सेपरेट ऑटोक्लेव रखना चाहिए ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि मीडिया डिस्कार्डिंग के लिए हम सेपरेट ऑटोक्लेव लें और जिसमें हम मीडिया स्टरलाइजेशन कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए उसमें हम मीडिया डिस्कार्डिंग वाला मीडिया स्टरलाइज ना करें देन लाइव कल्चर्स एंड अदर एक्टिविटीज शेल बी डन इन सेपरेट एरिया कि कल्चर एरिया अलग होना चाहिए एम एरिया अलग होना चाहिए और इस टेस्टिंग एरिया अलग होना चाहिए और जितने भी मेजर इक्विपमेंट्स हैं सभी के लिए हमें यूसेज लॉकबुक मेंटेन करनी चाहिए और सभी इक्विपमेंट का प्रिय प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना चाहिए हमें ऑल द इक्विपमेंट शेल भी पीरियोडिकली कैलिब्रेट जो भी इक्विपमेंट जिसमें हम मेजरिंग डिवाइस लगे हैं उनको एक स्पेसिफिक पीरियडिक फ्रिक्वेंसी से कैलिब्रेट किया जाना चाहिए रिक्वालिफिकेशन ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी शैल बी डन एनुअली जो माइक्रोबायोलॉजी लैब है उसका रिक्वालिफिकेशन जो है हमने एनुअली करना चाहिए और लेमिना रेयर फ्लू जो माइक्रोबायोलॉजी लैब में अवेलेबल होते हैं इनका रिक्वालिफिकेशन जो है हमें सिक्स मंथली बेसिस पे करना चाहिए ये रिक्वायरमेंट है देन मीडिया हैंडलिंग एंड प्रिपरेशन करेक्ट मीडिया शैल बी सेलेक्टेड एज पर द इंटेंडेड यूज तो हमारे जैसे भी फार्मोकॉपिया में लिखा रहता है कि किस परपज़ के लिए कौन सा मीडिया दिया हुआ है तो हमने ये चेक करना चाहिए कि जो मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं अगर कोई डिहाइड्रेटेड मीडिया रेडीमेड मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो उसका कंपोजिशन और जो मीडिया हम यूज़ करने के लिए देख रहे हैं तो उसका कंपोजिशन मैच करता हो और वो मैन्युफैक्चरर के रिकमेंडेशन और जो हमारा फार्मोकॉपिया का रिकमेंडेशन है वो इनलाइन हो मीडिया शैल भी स्टोर एट द मैनुफेक्चरर्स रिकमेंडेशन सो जो भी मीडिया बॉटल आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें लिखा हुआ होता है कि कितने डिग्री पे स्टोर करना है और उसकी स्टोरेज कंडीशन क्या है तो हमने वो स्टोरेज कंडीशन फॉलो करनी होती है मीडिया प्रिपरेशन स्टलाइजेशन शैल भी डन एज पर द मैनुफेक्चरर्स रिकमेंडेशन जैसे मैनुफैक्चर बोलता है कि इससे ये कॉन्सट्रेशन होना चाहिए इसको इस तरह से स्टेटलाइज करना है और इसको हमने इस तरह से यूज करना है तो जो मैन्युफैक्चरर का रिकमेंडेशन होता है वो हमने इन चीज़ों के लिए फॉलो करना चाहिए और एज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हमने जब भी मीडिया प्रोक्योर करते हैं तो या तो उसका सी ओ मीडिया लॉट के साथ में आना चाहिए अगर नहीं आता है तो हम उसको वेबसाइट से भी डाउनलोड करके अपने रिकॉर्ड्स में वेरीफाई कर सकते हैं देन ग्रोथ प्रमोशन एंड इनहिबिशन प्रॉपर्टीज शैल बी चेकड फॉर ईच मीडिया बैच तो जो भी हमारे पास में मीडिया लॉट्स आते हैं तो उन सभी मीडिया लॉट्स की जो है ग्रोथ प्रमोशन प्रॉपर्टीज और ग्रोथ इनहिबिशन प्रॉपर्टीज चेक करनी चाहिए आजकल लोग एक स्टेप और आगे जाके जो है वो हर कंटेनर की मीडिया ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट करते हैं और ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट अप्रूव होने के बाद ही हम उस कंटेनर को रूटीन यूसेज में लेते हैं प्योरीफाइड वाटर शेल बी यूज फॉर मीडिया प्रिपरेशन सो ये रिक्वायरमेंट है ऑफ द मीडिया बिफोर एंड आफ्टर स्टालाइजेशन शेल बी चेक मीडिया की पीएच एच हमने स्टालाइजेशन से पहले और स्टेलाइजेशन के बाद में भी चेक करनी चाहिए जो पीएच चेक करने के लिए हम अगर अगर सर, अगर सरफेस की पीएच चेक कर रहे हैं तो फ्लैट प्रोब हमने यूज़ करनी चाहिए देन अगर प्लेट्स जो है वो हमने ज़ीरो डिग्री से नीचे नहीं रखनी चाहिए यानी हमने उसको फ्रीज नहीं करना चाहिए रीमेल्टिंग मीडिया का जो है वो केवल एक ही बार अलाउड है जो इनोकुलम हम यूज़ करते हैं ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट के लिए उसका कॉन्सेंट्रेशन टेन टू हंड्रेड सी एफ यू पर एम एल होना चाहिए जीपीटी परसेंट टू टू हंड्रेड परसेंट ऑफ इनोकुलेटेड ऑर्गेनिजम्स सो ये फार्मोकोपिया में भी रिकमेंडेड है और गाइडलाइंस में भी रिकमेंडेड है कि आपका जितने भी आप ऑर्गेनिज्म स्पाइक करते हैं उसमें इनोकुलम का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसका अगर फिफ्टी परसेंट रिकवरी होता है या टू हंड्रेड परसेंट रिकवरी होता है तो आपका मीडिया जो है ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट में क्वालिफाई हो जाता है देन द मीडिया यूज फॉर स्टेबिलिटी टेस्टिंग एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग शैल बी प्री इंक्यूबेटेड फर्स्ट ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है और ये रिक्वायरमेंट भी है कि जो भी मीडिया हम इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग और स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं उसको हमने प्री इंक्यूबेट करना चाहिए ताकि हम ये इंश्योर कर ले कि उसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं है और उसके बाद ही हम उसको टेस्टिंग के लिए यूज करें देन इंस्पेक्शन ऑफ मीडिया तो हमने मीडिया का जो है वो इंस्पेक्शन भी करना चाहिए अगर रेडीमेड मीडिया आता है या जो मीडिया के प्लेट्स हमने बनी हुई रखी रहती है तो उसको यूज करने से पहले या इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग करने से पहले उसको किस चीज़ के लिए इंस्पेक्शन करना चाहिए क्रैक्स इन मीडिया मीडिया में कोई क्रैक तो नहीं आए हैं अन फीलिंग तो नहीं है ऐसा तो नहीं है कि मीडिया में स्लोप बना हुआ है एक तरफ ज़्यादा फीलिंग हुई है एक तरफ कम हुई है हीमोलिसिस तो नहीं हुआ है मीडिया को कोई कलर चेंज तो नहीं हुआ है क्योंकि अगर ओवर हीटिंग भी होती है तो मीडिया का कलर चेंज हो जाता है एक्सेसिव बबल फॉर्मेशन तो नहीं हुई है उसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन तो नहीं हुई है क्रिस्टलाइजेशन तो नहीं हो गया मीडिया के अंदर और रिडॉक्स इंडिकेटर की कंडीशन क्या है जैसे कि हम एफ uh, टी में जब मीडिया बनाते हैं तो उसमें रिडॉक्स इंडिकेटर अपर पोर्शन में होता है तो वो है कि नहीं है ऐसा तो नहीं कि वो ख़त्म हो गया पूरा या वो एकदम बहुत कम लेयर में बच गए तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो ये सारी चीज़ें हम इंस्पेक्शन ऑफ प्रिपेयर्ड मीडिया में चेक करते हैं और इसमें हमें लॉट नंबर चेक करना चाहिए मीडिया की स्टेबलिटी है करेक्ट है कि नहीं वो चेक करना चाहिए मीडिया की स्टेबिलिटी हम कैसे देख सकते हैं अगर हमारा लिक्विड मीडिया है तो ग्रोथ जो है वो टर्मिडिटी से इंडिकेट हो जाएगी तो हम उससे देख सकते हैं और अगर हमारा सॉलिड मीडिया है तो उसमें जो है आपके कॉलोनीज़ की ग्रोथ आएगी तो वो हमें विजिबल हो जाएगी देन क्लिनलीनेस ऑफ प्लेट्स जो हमारी प्लेट हम एक्सपोज करने के लिए भेज रहे हैं ऐसा तो नहीं कि उसमें एक्सटर्नल सरफेस पे कुछ मीडिया लगा हुआ है या कुछ दूसरा चीज लगा हुआ है तो ये चीज़ में हमने चेक करनी होती है देन मेंटेनेंस ऑफ कल्चर्स कल्चर्स शेल बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम ऑथोराइज सोर्स जो भी कल्चर हम यूज करने के लिए बिकॉज ये कल्चर्स जो है माइक्रोबायोलॉजी लैब का एक्जिस्ट होता है तो जो भी कल्चर्स हमने हैंडल करने होते हैं वो बहुत ही केयरफुली हैंडल करने होते हैं कल्चर हमने जो प्रोक्योर करने होते हैं वो भी ऑथराइज सोर्स से प्रोक्योर करने होते हैं और जो भी कल्चर्स हम रूटीन टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं वो फाइव पैसे से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए ये आ, हमारी फार्माकोपी के भी रिक्वायरमेंट है और गाइडलाइंस की भी रिक्वायरमेंट है और वर्किंग कल्चर बी प्रिपेयर फॉर डे टू डे एनालिसिस जो आ, हमारी डे टू डे एनालिसिस है उसके लिए अलग से वर्किंग कल्चर हमने बना के रखने चाहिए जो हमारे मास्टर कल्चर से उसमें से हमने डे टू डे वर्किंग के लिए सब कल्चरिंग नहीं करनी चाहिए देन सैंपल हैंडलिंग द सैंपलिंग शैल बी डन बाई अ ट्रेन पर्सनल इन माइक्रोबायोलॉजिकल प्रैक्टिस जो भी पर्सन माइक्रोबायोलॉजिकल सैंपलिंग कर रहा है तो उसको माइक्रोबायोलॉजी की ट्रेनिंग होनी चाहिए माइक्रोबायोलॉजिकल प्रैक्टिस के बारे में पता होना चाहिए माइक्रोब्स uh, की ग्रोथ के बारे में पता होना चाहिए और सैनिटाइजेशन प्रैक्टिसेस के बारे में पता होना चाहिए सैंपल इंटीग्रिटी ऑफ द पैक शैल बी मेंटेन्ड जब भी हम सैंपल करके लाते हैं तो सैंपलिंग करने के बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि यानी सैंपल को हमने खुला छोड़ दिया या सैंपल को अच्छी तरह से पैक करके नहीं रखा या जब हम सैंपलिंग करने गए तो उस टाइम पे मटेरियल को जो है वो काफ़ी देर तक के हमने एक्सपोज करके रखा जिससे माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन हो गया तो इन सब चीज़ों का हमने ध्यान रखना होता है सैंपल शेल नॉट बी फ्रोजन स्पेसिफिकली जो लिक्विड सैंपल्स होते हैं उसके लिए ये एप्लीकेबल होता है कि उसको हमने फ्रीज़ नहीं करना होता है सैंपल्स को और अगर वाटर के सैंपल्स हम लेके आते हैं तो उसको प्रेफरेबली हमने दो से चार घंटे के अंदर हमने एनालिसिस कर लेना चाहिए अगर किसी रीजन से हम दो से चार घंटे के अंदर हम उसको एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको मैक्सिमम ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए टू टू एट डिग्री सेंटीग्रेड पर रख सकते हैं उसके बियॉन्ड अगर होता है तो हम उस सैंपल को टेस्टिंग के लिए कंसिडर नहीं करते हैं हमने फिर रिसैम्पल करना चाहिए देन वैलिडेशन ऑफ टेस्ट मेथड तो जितने भी स्टैंडर्ड मेथड्स फॉर्मोकॉपियों में दिए रहते हैं उसको हम ये कंसीडर करते हैं कि ये जो मेथड्स है ये वैलिडेटेड है एंड हमने केवल उसकी सूटेबिलिटी चेक करनी होती है सूटेबिलिटी ऑफ द मेथड शेल बी डेमानस्ट्रेटेड यानी हमने अपने प्रोडक्ट के लिए उस मेथड की सूटेबिलिटी डेमानस्ट्रेट करनी होती है एज सच वो मेथड्स वैलिडेटेड ही होते हैं और अगर हम कोई नॉन स्टैंडर्ड मेथड यूज़ कर रहे हैं या कोई मेथड ऐसा यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम बहुत सारे मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं तो फिर उस पर्टिकुलर मेथड को हमने वैलिडेट करना चाहिए देन रिस्क असेसमेंट अगर हमने माइक्रोबायोलॉजिकल पार्ट के लिए अगर रिस्क असेसमेंट करना है तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स चेक करने होते हैं ये इसमें दिखाया हुआ है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमने आइडेंटिफिकेशन करना होता है हमने ये देखना होता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें पता चलता है तो कैरेक्टराइजेशन एंड सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये भी हमें पता चलेगा कि अगर हमने माइक्रो आर्गनिज्म को आइडेंटिफाई किया तो उसके कैरेक्टर्स पता चलेंगे और ये इसका सोर्स क्या है ये कहाँ से हमें मिला है ये पता चलेगा सोर्स अगर पता चलेगा तो हमें ये भी पता चलेगा कि किन किन कंडीशंस में ग्रो हो सकता है किस में नहीं हो सकता है तो उसके उससे हमें इन्वेस्टिगेशन में और मदद मिलती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं स्टराइल प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं नॉन स्टराइल प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं लिक्विड के लिए कर रहे हैं सॉलिड के लिए कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमें कंसिडर करनी होती है टारगेट पेशेंट बेस एंड इंटेंडेड यूज़ जो हमारे टारगेट पेशेंट है वो कौन है एल्डरली पेशेंट्स तो नहीं है या यंग पेशेंट्स तो नहीं है या इन्फेंट्स तो नहीं है जो हमारे टारगेट पेशेंट्स है और उसका इंटेंडेड यूज़ क्या है वो किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है वो ऐसा तो नहीं कि किसी क्योर किसी चीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ हो रहा है या किसी बहुत ही सीरियस कंडीशन में यूज़ हो रहा है तो वो सारी चीज़ें भी हमने इसमें कंसिडर करनी होती है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने इसमें कंसिडर करना होता है कि रूट ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इंजेक्टेबल तो नहीं है जो यानी आपको इंट्रामस्कुलर और इंट्राविनस इंजेक्शन होना है या ओरल रूट से जाना है या सबकोटैनस रूट से जाना है या आ, ट्रांसडर्मल uh, पैचेस के फॉर्म में जाना है तो ये सारी चीज़ें भी हमने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने चेक करना होता है इसके बेसिस पे रिस्क असेसमेंट हमने बनाना होता है देन प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक में हमें ये देखना होता है कि मेरा प्रोडक्ट किस तरह का है लिक्विड है सॉलिड है डोसेज फॉर्म क्या है वाटर बेस्ड है या ऑयल बेस्ड है मेरा प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है जो माइक्रो ऑर्गेजम को प्रोपोगेट करता है या मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जो माइक्रो ऑर्गेजम को सपोर्ट नहीं करता है तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम माइक्रोबायोलॉजी का रिस्क असेसमेंट करते हैं और ये सारी चीज़ें होने के बाद में फिर हम असेसमेंट एंड कंक्लूजन कि ये सारे चीज़ें असेस करने के बाद में हम फाइनली इस पर रिस्क असेसमेंट पर क्या कंक्लूजन ले रहे हैं ये इसमें लिखा होना चाहिए दोस्तों ये एक छोटा सा डिस्कशन था माइक्रोबायोलॉजिकल प्रैक्टिसेस के लिए उम्मीद है आपको पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया है तो आप और लोगों से भी शेयर करें ताकि और लोगों को इसका फायदा मिल सके अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें थैंक्स फॉर वॉचिंग